दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबला के पहले दिन रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली और गिल ने किस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ठोक डाले। 500 से भी ज्यादा रन विराट कोहली, रोहित शर्मा और गिल ने कितने कितने रन बनाए हैं, और साथ ही इस मुकाबला की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबला में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 200 रनों से धमाकेदार जीत हासिल की है। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे मुकाबले में टीम में कुछ बदलाव भी देखने को मिले, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल को बाहर बैठने का मौका दिया, क्योंकि उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक था। रोहित शर्मा ने टॉस जीता और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मुंबई के वानखेड़े अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में रोहित के साथ शुभमन गिल ओपनिंग करने आए, और दोस्तों आपको बता दें कि दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। और आपको बता दें कि पहली ही ओवर में गिल ने दो खूबसूरत कवर ड्राइव के साथ अपनी बारी की शुरुआत की और टीम इंडिया का स्कोर पहले ही ओवर में 20 रनों के पर पहुंचा दिया। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मुकाबला बांग्लादेश से जीते, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 2 लाइक्स हैं, तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। गिल आज की इस मुकाबले में एक काफी अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे। अब जहां रोहित शर्मा के पास स्ट्राइक थी, बांग्लादेश के गेंदबाज ने उन्हें एक बार तो लगभग आउट ही कर दिया था, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा क्रिस पर सलामत थे। आपको बता दें कि नजमुल हुसैन की गेंद पर रोहित ने शॉट लगाया, लेकिन बाउंड्री पर खड़े काकिर ने उस कैच को छोड़ दिया और यह जीवनदान बांग्लादेश के लिए बहुत भारी पड़ गया। हालांकि दूसरे छोर पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे सुमन गिल 60 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और उन्होंने अपनी बारी में 40 गेंद खेली और पंच चौके के साथ उन्होंने 60 रन बनाए। गिल के जाने के बाद अब मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे, जिनसे पूरी दुनिया के गेंदबाज खौफ खाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली की भारतीय पारी की कमान अब इन दोनों ही सीनियर बल्लेबाजों के कंधों में थी, और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए भारतीय पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। आपको बता दें कि लंच तक टीम इंडिया का स्कोर 150 रन था और टीम इंडिया ने अपने एक विकेट गवा दिए थे, लेकिन अब लंच के बाद जैसे भारतीय बल्लेबाजों ने तो कसम ही खा ली थी कि अब किसी भी बांग्लादेश के गेंदबाज को छोड़ना नहीं है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा स्ट्राइक पर थे और गेंदबाज बाजी करने आए बांग्लादेशी गेंदबाज स्पिनर मेहंदी हसन, जिन्होंने अब तक भारतीय टीम को बहुत परेशान किया। और दोस्तों, उनकी शुरुआत ही 3 गेंद पर रोहित ने 3 लगाए और बताया कि उन्हें दुनिया का खतरनाक बल्लेबाज क्यों माना जाता है। पहला मिड विकेट के ऊपर से, और वहीं दूसरा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और तीसरा उन्होंने सीधे, आपको बता दें कि गेंदबाज के सर के ऊपर से मार दिया। रोहित शर्मा की खतरनाक पारी को देख दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली ने तालियां से उनका सम्मान किया, और इन 3 के साथ ही रोहित ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दोस्तों, रोहित शर्मा की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली ने भी आक्रामक तेवर अपना लिए और इन दोनों खिलाड़ियों ने तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। और आपको बता दें कि दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते दूसरे सेशन तक खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का स्कोर 300 रनों के पार पहुंचा दिया। जी हां, बिल्कुल सही सुना, टीम इंडिया ने पहले सत्र में केवल 70 रन बनाए थे, वहीं दूसरे सेशन में रोहित और विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी के बदौलत भारत ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया, जो कप्तान रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट कैरियर का एक और शतक जड़ दिया। वहीं विराट कोहली भी शतक जड़कर कप्तान रोहित का साथ निभा रहे थे। अब आपको बता दें कि लंच तक भारतीय टीम का स्कोर न 300 रन था और भारत ने अब तक केवल एक ही विकेट गंवाए, और अब चायकाल के बाद एक बार फिर से टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी, और शुरुआत में ही भारत को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि विराट कोहली 130 रन के स्कोर पर इबादत हुसैन का शिकार हो गए। अब दोस्तों, जाने से पहले विराट कोहली के दमदार परी देखकर सब उन्हें तालियां से उनका सम्मान कर रहे थे, लेकिन अब मैदान पर आ चुके केएल राहुल,
जी हां दोस्तों, उन्होंने उसी तरीके से बल्लेबाजी की जैसा उन्होंने पहले टेस्ट में किया था। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए केवल 35 गेंद में ही अपना 50 रन पूरा कर लिया। उधर रोहित शर्मा लगातार अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत इंडिया ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 550 रन बना लिए थे और टीम इंडिया ने केवल 3 विकेट ही गवा बैठे थे और रोहित शर्मा ने 165 बनाए तो केएल राहुल ने भी ताबड़तोड़ 85 रन की परी खेली थी। और दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबला में टीम इंडिया का प्रदर्शन पहले दिन कुछ ऐसा ही रह सकता है। ऐसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट मुकाबला में शतक लगा पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ बीके स्पोर्ट्स क्लब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।